YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। चौथे चरण के तहत महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कार्य में तेजी लाते हुए आज राजद नेता तेजस्वी यादव ने पलामू संसदीय क्षेत्र के भवनाथपुर प्रखंड सहित चतरा संसदीय क्षेत्र के तरहसी प्रखंड में हेलीकॉप्टर से पहुंचकर कई चुनावी सभाएं की। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने देश की भलाई में महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से समर्थन देने की अपील की और भाजपा नीत सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखलाने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि भाजपा जैसी पार्टियों ने लोगों को मात छलने का काम किया है। भाजपा के चुनावी वायदे खोखले साबित हुए। चार ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पूंजीपतियों की सरकार को देश हित में सत्ता से बेदखल करना बेहद जरूरी है। भवनाथपुर प्लस टू हाई स्कूल के मैदान में चुनावी सभा में राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ प्रत्याशी घुरन राम, जीतन राम मांझी, पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी, विजय केसरी, गोपाल विश्वकर्मा सहित महागठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों से काफी संख्या में नेता, कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद थे। लेकिन चुनाव आचार संहिता समझ रहे हैं, ज्यादा कुछ बोलने पे तो सजा हो ही ना जाएगी, तो इस सबसे सावधान रहना। बाकी आप तो समझ ही रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप लोग समझदार हो, इसलिए देखिए वोट बटन, वोट नहीं बटना चाहिए। ये समय आ गया, अगर आप अभी बढ़ जाओगे तो समझिए मोदी जी अगर दोबारा आ जाएंगे तो चुनाव हो गए, लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, दोबारा चुनाव नहीं। और आज भले ही चौकीदार कहे अपने आप को, लेकिन एक बात समझ ले मोदी जी, अगर आप अपने आप को चौकीदार कहते हो तो देश और झारखंड की जनता थानेदार है। आपने जो गलती की है, नोटबंदी हुआ था, सब लोगों ने पैसा बैंक में जमा करा दिया, विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी सब बैंक में खाली करके चल गया। ऐसा चौकीदार देखा गया, कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। मोदी जी का करनी नहीं, खाली कथनी। मोदी जी जो है उनकी पूरी राजनीति ही मिलावटी या बनावटी। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर सब पार्टी। तो इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोग जो है सुभाष यादव जी को ज्यादा से ज्यादा मत देकर के आप लोग करने का काम कीजिए। तो जिताइए कि पिछले बार यहाँ के गरीब गुरुओं ने वर्तमान विधायक को जिताने का काम किया था, खासकर मुस्लिम भाइयों ने जिताने का काम किया था, और यहां से जाने के बाद बीजेपी के लिए काम किया और बीजेपी को जिताने का काम किया। इसलिए इस बार मुस्लिम भाई बहन कोई भी इनके चक्कर में पड़ने वाला है, कांग्रेस के चक्कर में पड़ने वाला है। कांग्रेस का उम्मीदवार को मानते हैं कि इनको डमी के रूप में खड़ा किया गया है, मैं केवल सुभाष यादव जी को हराने के लिए किया गया है, लेकिन यहाँ की जनता सब सब के सब समझती है और जान रही है कि हमको क्या करना है और किसको जिताना है। इसलिए अब चक्कर इनका नहीं है कि ऐसे अब जिता करके या कहिए कि ये अपने उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट दिला पाएंगे, इनके औकात की बात नहीं है। हाँ ये बात जरूर है कि इनको ये बीजेपी के लिए इनके सारे लोग लग चुके हैं, सारा काम कर रहे हैं, इनका जितने इनका वोट मिला था सारे लोग चुके हैं, और अभी 70% है मुस्लिम भाई माननीय सुभाष यादव के लिए काम कर रहे हैं, डॉक्टर मेहता के लिए काम कर रहे हैं, और ये गठबंधन है महागठबंधन उसके लिए चतरा में काम कर रहे हैं, और इनको जिता करके ऐतिहासिक जीत दिखला करके इनको ये कहिए कि जब इनका हार हो गए यहाँ तो निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि ऐसा अब हमको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए।